हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मोस्टली आस्क्ड एंड रिपीटेड एमसीक्यू का ये चौथा वीडियो है, फोर्थ वीडियो है। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू मैंने लिए हैं और आज के इस वीडियो के जो एमसीक्यूज हैं वो एचजेएस के एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी का हो, एमपी का हो, झारखंड का हो, बिहार का हो, कहीं का भी हो, ये इन सब को मैंने इकट्ठा किया है। और इन सभी स्टेट्स में जो क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं और कई बार पूछे गए हैं, उन्हीं को इसमें शामिल किया है। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। बहुत बार पूछे गए हैं तो आगे भी इनकी आने की उम्मीद बनी रहती है। और मैंने ये देखा है कि ये पूछे ही जाते हैं। आप भी ऐसा फील करिए, पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाइए, पिछले जितने भी पुराने मिल जाएं सीरीज में बनाइए और इसके बाद देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। और यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को कम से कम पूरा देख लीजिए, आगे आने वाले एग्जाम में आपको मेरे वीडियो से क्वेश्चंस मिलेंगे, ये मुझे विश्वास है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके जो एमसीक्यू हैं वो बहुत ही साइकोलॉजिकल हैं। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पक्का है कि आप रॉन्ग टर्न ले लेंगे। देखिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। ये जो एक पागल है, स्वस्थ चित्त होने के अंतराल में अपना एक भूखंड बी को 5,000 रुपये में विक्रय करने की प्रतिस्थापना का प्रतिग्रहण कर लेता है। समझिए, ये जो पागल है, स्वस्थ चित्त होने के अंतराल में अपना एक भूखंड बी को 5,000 रुपये में विक्रय करने की प्रस्तावना का प्रतिग्रहण कर लेता है। बी उस भूखंड में कब्जा ले सके उसके पूर्व ही वह वापस विकल चित्त हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विधिक स्थिति को सही सही प्रकट करता है? अब आप पहले तो इस प्रॉब्लम को समझ लीजिए, तभी विधिक स्थिति को आप स्पष्ट कर पाएंगे। इन चार में से कौन सा सही स्पष्ट करेगा ये आप तय कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, ये पागल है, स्वस्थ चित्त होने के अंतराल में वह एक भूखंड बी को 5,000 रुपये में विक्रय करने की प्रस्तावना का प्रतिग्रहण कर लेता है, और जो बी है वो कब्जा लेने के पहले ही ए फिर से पागल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए? बी संविदा को प्रवृत्त नहीं करा सकता, पहला। बी को तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक ए स्वस्थ चित्त ना हो जाए, दूसरा। तीसरा है, संविदा विधिमान और प्रवर्तनीय है, और चौथा, ए संविदा करने के लिए असक्षम है इसलिए संविदा शून्य है। तो आप आंसर टिक कर लीजिए, एक दो सेकंड है आपके पास। और अगर आप 10 by 10 आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा लगेगा मुझे कि मेरे साथ विद्वान लोग भी जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर है सी, संविदा विधिमान और प्रवर्तनी है, क्योंकि जिस वक्त उसने संविदा किया था उस वक्त वह संविदा करने में सक्षम था, स्वस्थ चित्त था।
तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो अंतराल के बाद स्वस्थ चित्त होता है या फिर पागल पड़ जाता है, तो अगर उन अंतरालों में वो कोई संविदा करता है जिसमें वो स्वस्थ चित्त होता है, अपना अच्छा बुरा सोच सकता है, समझ सकता है, तो वो व्यक्ति संविदा करने में सक्षमता उसके अंदर होती है और वो संविदा कर सकता है। और अगर उस वक्त उसने कोई संविदा की है तो फिर वो विधिमान भी होती है और प्रवर्तनी भी होती है। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन और मजेदार है। एक दुकान के प्रदर्शन कक्ष में पोशाक में कीमत की पर्ची लगी है। एक क्रेता जो पोशाक क्रय करना चाहता है और पर्ची में लिखी कीमत का संदाय करने के लिए तैयार है, पोशाक क्रय करने के लिए दुकानदार के पास जाता है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? अब आपको ये बताना है। तो प्रॉब्लम यह है कि एक दुकान है, दुकान में कुछ पोशाकें टंगी हुई हैं जिसमें उनकी कीमत की पर्ची भी लगी हुई है। अब एक व्यक्ति उसे देखता है और उस पर्ची में लिखी कीमत को संदाय करने के लिए तैयार हो जाता है और वो पोशाक क्रय करने के लिए दुकानदार के पास जाता है। तो ऐसी स्थिति में दुकानदार या क्रेता दोनों के क्या अधिकार होंगे? पहला, दुकानदार पोशाक बेचने से इनकार कर सकता है। दूसरा, दुकानदार पोशाक बेचने से इनकार नहीं कर सकता है। तीसरा, इनकार करने पर दुकानदार संविदा भंग का दायी होगा। चौथा, वह अधिक कीमत की मांग कर सकता है। साइकोलॉजिकल ऑप्शंस हैं इसमें। अब आपके पास 2 सेकंड है, आप भी टिक कर लीजिए। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये अपने प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डेफिनेशंस में टू का में या ए में दिया हुआ है। वहां पर आपने प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में स्पष्ट अंतर है और उसी अंतर को इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो दुकान में प्रदर्शन के लिए कोई भी चीज़ें टंगी हैं, कहीं भी टंगी चीज़ें टंगी हैं प्रदर्शन के लिए, और उसमें अगर उनकी कीमत लिखी भी हुई है तो वो मात्र प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है। उस कीमत पर वो दुकानदार की मर्जी है कि उसको बेचे या ना बेचे, इसलिए दुकानदार पोशाक बेचने से इनकार कर सकता है। वो उसकी मर्जी है कि उस कीमत पर, जिस कीमत को उसने डिस्प्ले किया है, उस पर उन चीजों को बेचे या ना बेचे जिन पर उसने ये डिस्प्ले कर रखा है। तो ये आप स्पष्ट कर लें कि प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में अंतर होता है। और जब भी कभी प्रस्ताव के लिए आमंत्रण दिया जाता है तो वो वहां पर संविदा का निर्माण नहीं होता है, इसलिए संविदा भंग का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। एक नीलामी में एक्स की बोली सबसे ऊपर है, ठीक है। नीलामकर्ता प्रस्थापना को बोलकर प्रतिग्रहण नहीं करता, टेबल पर हथौड़ा मारकर प्रतिग्रहित करता है, तो यह किस प्रकार का प्रतिग्रहण है यह बताना है। अभिव्यक्ति प्रतिग्रहण है, व्युचित प्रतिग्रहण है, भावी प्रतिग्रहण है या प्रतिग्रहण नहीं है? तो आंसर आपने टिक कर लिया होगा।
तो देखिए, अगर नीलाम करता प्रस्थापना को बोलकर प्रतिग्रहण नहीं करता तो अभिव्यक्ति तो प्रतिग्रहण है नहीं। प्रतिग्रहण भावी यहां हो नहीं सकता, और प्रतिग्रहण तो किया गया है, चाहे वह थोड़ा मारकर किया गया हो तो प्रतिग्रहण नहीं, ये नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारे पास? बी। तो यह व्युचित प्रतिग्रहण है। तो अगर हथौड़ा गिराकर या हथौड़ा मारकर कोई प्रस्थापना प्रतिघेत की जाती है तो ऐसी प्रस्थापना को हम व्युचित प्रतिग्रहण कहेंगे, और हथौड़ा मारना ये नीलामी जैसी जगहों पर ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4। जब वचन ग्राहिता की सम्मति प्राप्त करते समय वचनदाता मौन रहता है, जब वचन ग्राहिता की सम्मति प्राप्त करते समय वचनदाता मौन रहता है, जबकि उसका कर्तव्य है कि वह तात्विक तथ्यों के बारे में बताए, तो इसका अर्थ यह है कि सम्मति प्राप्त की गई है प्रपीड़न द्वारा, दूसरा दुर्योपदेशन द्वारा, तीसरा भूल द्वारा, चौथा कपट द्वारा। 2 सेकंड हैं आपके पास, आप भी टिक कर लीजिए। 10x10 मुझे जरूर बताइएगा। तो जहां पर व्यक्ति का बोलने का कर्तव्य होता है वहां मौन रहता है, तो ऐसी स्थिति में अगर सम्मति प्राप्त की गई है तो इस प्रकार की सम्मति को कपट द्वारा प्राप्त की हुई मानी जाती है संविदा अधिनियम के अंतर्गत। तो इसलिए इसका आंसर कपट द्वारा प्राप्त की गई सम्मति होगी। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन है, ए ने अपनी पत्नी को यह धमकी दी कि यदि वह ए के भाई के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित नहीं करेगी तो वह आत्महत्या कर लेगा। पत्नी ने विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया, यह संव्यवहार कैसा है यह बताना है आपको। ए ने अपनी पत्नी को यह धमकी दी कि यदि वह ए के भाई के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित नहीं करेगी तो वह आत्महत्या कर लेगा, यह प्रॉब्लम है, और इस डर से पत्नी ने विक्रय विलेख को निष्पादित कर दिया, तो यह संव्यवहार कैसा होगा? क्या पति ने असम्यक असर उसके ऊपर इस्तेमाल करा करके विक्रय विलेख निष्पादित किया, इस वजह से वो सुनकर्णी हो सकती है? तो पहला है असम्यक असर के कारण सुनकर्णी है, दूसरा प्रपीड़न के कारण सुनकर्णी है, तीसरा अनैतिक होने के कारण सुनकर्णी है, अनैतिक होने के कारण सुन है, या फिर चौथा विधि द्वारा प्रतिबद्ध होने के कारण सुन है। तो इसका आंसर टिक कर लिया आपने। तो इस तरह की यदि संव्यवहार होते हैं तो ऐसे संव्यवहार को हम प्रपीड़न के कारण शून्यकर्णी बना सकते हैं, क्योंकि प्रपीड़न में धमकी भी निहित होती है, और इसमें ए ने अपनी पत्नी को अपनी आत्महत्या करने की धमकी दी है। तो और दूसरा आईपीसी के अंतर्गत जो अपराध हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, उनको अगर धमकी दी जाती है तो ये प्रपीड़न बन जाता है। मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू लेने हैं, बाकी आप लोग बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहां से लेते हैं, 10 बाद में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक को
1 लाख रुपए की अत्यधिक आवश्यकता थी, किंतु वह बैंकों से उधार नहीं पा सका क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई प्रतिभूति नहीं थी। अब जब उसे बैंकों से नहीं मिला तो ए ने अपने मित्र बी से निवेदन किया। बी ने यह जानते हुए कि ए के पास कोई उपाय नहीं है, ए को बहुत ऊंची ब्याज दर पर धन उधार दिया, यह कहते हुए कि उसने स्वयं सी से धन उधार लिया है। तो यहां पर ए और बी के साथ में आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं और बताना है ए और बी के बीच में जो ये धन उधार दिया गया उसकी स्थिति क्या है, कानूनी स्थिति क्या है, संविधान अधिनियम के अंदर क्या स्थिति है। तो क्वेश्चन फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि ए को 1 लाख रुपए की अत्यधिक आवश्यकता है, किंतु वह बैंकों से उधार नहीं पा सका क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई प्रतिभूति नहीं थी, तो बैंक कैसे उसको देंगे। जब बैंक से नहीं मिला तो ए ने अपने मित्रों से निवेदन किया, तो उसके मित्र जो बी उसका मित्र है उसको पता है कि ए को कहीं से रुपए मिलने वाले नहीं है और ए के पास कोई उपाय नहीं है कि कहीं से वो रुपए ला सके, क्योंकि वो हर जगह से ट्राई करके आया हुआ है। तो ए को बहुत ऊंची ब्याज दर पर धन उधार दिया, और ऊंची ब्याज दर वो इसलिए कर दिया ये कहकर कि उसने खुद दूसरे से उधार लिया तुम्हें देने के लिए, अपने मित्र को ये समझाने के लिए कि उसे ये ना लगे कि मैं उसका एक तरफ वो मित्रता भी निभाना चाहता है, एक तरफ उसको चूसना भी चाहता है। तो उसने ये कह दिया कि मैं खुद सी से उधार लेकर आया हूं तुम्हें देने के लिए, इसलिए ब्याज दर ऊंची है। लेकिन दिया तो ऊंची ब्याज दर पे ना बी ने उसको। तो अब आपको बताना है कि ए और बी असम्यक असर के कारण दोषपूर्ण है। यह असर बी ने ए पर अपनी गहरी मित्रता के कारण डाला था। ए और बी के बीच में जो जो भी संव्यवहार हुआ वह असम्यक असर के कारण दोषपूर्ण है। यह असर बी ने ए पर अपनी गहरी मित्रता के कारण डाला था। दूसरा, शून्य है क्योंकि ब्याज की दर इतनी ऊंची है कि वह अंतःकरण के विरुद्ध है। सी, विद्यमान नहीं है क्योंकि बी ने दोषपूर्ण तरीके से सी से उधार लिया था। चौथा, विधिमान है क्योंकि मित्र ने असम्यक असर डाला है, यह केवल इसलिए नहीं माना जा सकता, जो धन उधार दिया गया था उस पर ब्याज की दर बहुत ऊंची है। आपके पास समय है, आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा, इसका आंसर है डी। ऐसा संव्यवहार जो ए और बी के बीच में जो ऊंची ब्याज दर पर उसने उससे उधार धन लिया, या बी ने ए को बहुत ऊंची ब्याज दर पर धन उधार दिया, ये संव्यवहार विधिमान है और कोई केवल इसलिए इसे असम्यक असर से युक्त नहीं मान लिया जाएगा कि जो धन उधार दिया उसकी ब्याज दर बहुत ऊंची थी, इस वजह से असम्यक असर है, ऐसा नहीं मान लिया जाएगा। केवल ऊंची ब्याज दर से धन उधार देना मात्र असम्यक असर के लिए पर्याप्त नहीं है। तो यह संव्यवहार विधिमान है और इसके संबंध में इसी तरह का एक क्वेश्चन में अपने पहले वीडियो पे दे चुका हूं। आप मेरे पिछले वीडियो भी 2 नंबर 3 नंबर के देख सकते हैं, उस पे इसी से मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन है। चूंकि मैंने कई बार देखा है कि आंसर तकरीबन यही रहते हैं, केवल पूछने के तरीके को वो बदल देता है। वहां पर बाजार की तंगी दिखाया है और यहां पर ए को दिखाया है कि उसको कहीं नहीं मिल रहा है, तो वो फिर वो अपने मित्र से मांगता और मित्र उसकी स्थिति का
देखता है कि भाई उसे कहीं नहीं मिलेगा तो चलो दे देते हैं। अब मेरा सवाल यहां पर यह है कि यदि बी ने सी से धन उधार ना लिया होता तो क्या स्थिति भिन्न हो जाती? मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि बी ने अगर अपना स्वयं का धन ऊंची ब्याज दर पर दिया होता तो क्या इसके आंसर में उत्तर में कुछ फर्क पड़ता? यदि पढ़ता तो वो क्या पढ़ता, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स वाई से यह संविदा करता है कि वह अपनी मोटरसाइकिल विनिर्दिष्ट कीमत पर विक्रय कर देगा। यदि जेड जिसको मोटरसाइकिल की पहले से प्रस्थापना की गई है क्रय करने से इनकार कर देता है, क्या यह संविदा विधिमान है? क्या यह विधिमान संविदा है? प्रॉब्लम फिर से देख लीजिए। एक्स वाई से यह संविदा करता है कि वह अपनी मोटरसाइकिल विनिर्दिष्ट कीमत पर विक्रय कर देगा, लेकिन विक्रय तभी करेगा यदि जेड को, जिसको पहले ही मोटरसाइकिल बेचने की प्रस्तावना की गई है, अगर वह क्रय करने से इनकार कर देता है तो। ऑप्शन देख लीजिए इसके, क्या यह विद्यमान संविदा है? पहला नहीं है क्योंकि अनिश्चितता के आधार पर शून्य है। नहीं है क्योंकि यह जेड की इच्छा पर अवलंबित है और जेड हो सकता है कि अपने जीवन में कोई निर्णय न करे। तीसरा है क्योंकि यह समाश्रित संविदा है जो तब प्रवर्तनीय होगी जब जेट मोटरसाइकिल क्रय करने से इनकार कर देगा। चौथा है नहीं है क्योंकि एक्स द्वारा पालन का समय अनिश्चित है। तो आंसर आप टिक कर सकते हैं, आपके सामने चारों आंसर हैं, प्रॉब्लम आपको पता है। तो आंसर आपने टिक कर लिया होगा, इसका आंसर है सी। यह संविदा विधिमान है क्योंकि यह समासित संविदा है जो किसी घटना पर आधारित है और वो घटना असंभावी है। तो यह एक समासी संविदा है और यह तब प्रवर्तनीय होगी जब जेड मोटरसाइकिल क्रय करने से इनकार कर दे। तो यह संविदा एक्स और वाई के बीच में जो संविदा हुई है वो संविदा तब होगी, प्रवर्तनीय होगी जब जेड इनकार कर देगा। तो इस पर वह संविदा टिकी हुई है, ये इनकार कर देगा वह संविदा पूर्ण हो जाएगी, यानी कि उसका जो मोटरसाइकिल है वो वाई को मिल जाएगी। तो हमें जनरल अपना लीगल माइंड के साथ साथ में थोड़ा कॉमन सेंस भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चंस को हल करने में लगा लेना चाहिए, जिससे हमारा लीगल माइंड एक्टिव हो जाता है और सही काम करता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्स ने चावल का बोरा खरीदा, और भूल से उसे अपने मित्र बी के घर पर छोड़ गया। मित्र बी के घर पर छोड़ दिया। बी की पत्नी ने उस बोरे में से चावल का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। अब आपको बताना है एक्स को बी के विरुद्ध क्या उपचार है। प्रॉब्लम फिर से सुन लीजिए। एक्स ने चावल का बोरा खरीदा और भूल से उसे अपने मित्र बी के घर पर छोड़ दिया।
बी की पत्नी ने उस बोरे में से चावल का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि बी की पत्नी ने सोचा कि यह चावल का बोरा हमारा है, ये लेके आए होंगे, तो उसने भी उस बोरे से चावल का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। यहां कहीं मेंस रिया नहीं दिखता है। अब आपको ये बताना है कि अगर भूल से ऐसा हो गया है एक्स से, तो क्या एक्स के पास कोई उपचार है बी के विरुद्ध, जिसने उसके बोरे के चावल या चावल के बोरे का इस्तेमाल कर लिया है? ए, एक्स बी से प्रतिकर का दावा कर सकता है। दूसरा, एक्स बी से एक बोरा चावल की मांग कर सकता है। तीसरा, एक्स और बी मित्र हैं, उनके बीच कोई संविदा जात अधिकार या बाध्यता नहीं हो सकती। एक्स उस चावल के बोरे की कीमत को मांग सकता है, बोरे की कीमत को मांग सकता है। तो आंसर आप टिक कर लीजिए और इसका आंसर होगा ए। एक्स ने अनानुग्राहिक कार्य नहीं किया है यहां पर, इसलिए एक्स बी से प्रतिकर का दावा कर सकता है। यह संविदाकल्प, यहां पर संविदाकल्प का निर्माण होता है, संविदा सदृश व्यवहार, और सेक्शन 70 के अंतर्गत ये आएगा। तो ये क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 70 से है, आप सेक्शन 70 को पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संविदा के लिए प्रतिफल का उद्देश्य यह है कि संविदाकारी, बस आगे आपको जोड़ना है ताकि वो सही पोर्शन जोड़ना है जो कंफर्म कर दे इस पूरे वाक्यांश को। संविदा के लिए प्रतिफल का उद्देश्य यह है कि संविदाकारी, पहला, पक्षकार संविदा का पालन करने में समर्थ है, क्या यह उद्देश्य होता है? पक्षकार संविदा के पालन के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करते, तीसरा, पक्षकारों ने स्वतंत्र सहमति अभिव्यक्त की है, चौथा, पक्षकारों का यह आशय था कि संविदा में विधिक परिणाम होने चाहिए। तो संविदा के लिए जो प्रतिफल होता है, प्रतिफल का उद्देश्य क्या होता है, ये आपको बताना है। तो आंसर आपने टिक कर लिया होगा। तो संविदा में जो प्रतिफल होता है, उसका उद्देश्य होता है कि दोनों पक्षकार संविदा के विधिक परिणाम होने चाहिए, इस आशय से प्रतिफल का निर्माण होता है। तो पक्षकारों का यह आशय था कि संविदा के विधिक परिणाम होने चाहिए, अब हम इस पूरे सेंटेंस को मिला के पढ़ेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। संविदा के लिए प्रतिफल का उद्देश्य यह है कि संविदाकारी या पक्षकारों का यह आशय था कि संविदा में विधिक परिणाम होने चाहिए। तो संविदा में विधिक परिणाम ही प्रतिफल का उद्देश्य होता है, इस वजह से इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं।
ये है क्वेश्चन नंबर 10। किसी शिशु को प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए उसका दायित्व, आपको दायित्व निर्धारण करना है। किसी शिशु को प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए उसका दायित्व, पहला संविदा जात है और उसके विरुद्ध प्रवृत्त किया जा सकता है, दूसरा संविदा कल्प है और इसका नियम भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 में सम्मिलित है, उसकी संपत्ति यदि कोई हो तक ही सीमित है, यानी कि दायित्व तो उसकी संपत्ति यदि कोई हो तक ही सीमित है। आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, या फिर केवल दूसरा, ये आपको बताना है कौन से सही हैं उपर्युक्त कथनों में से। तो किसी शिशु को प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए उस शिशु का जो दायित्व तो होता है, पहली बात तो अगर हमने ये वस्तुएं प्रदाय की हैं तो यहाँ पर ये व्यवस्था संविदा कल्प के अंतर्गत आएगी, तो संविदा कल्प है और इसका जो नियम है वो सेक्शन 68 में शामिल है, ये स्पष्ट है और ये सही है। और दूसरी बात यह है कि अवैक्स तो दायी नहीं होता, लेकिन अवैक्स के पास यदि कोई संपत्ति है तो वो जो दायित्व तो होंगे उसकी सीमा उसकी संपत्ति तक ही होगी, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो दूसरा और तीसरा होगा। तो उपर्युक्त कथनों में से दूसरा और तीसरा कथन ही सही है, और पहला तो आप देख ही सकते हैं स्पष्ट रूप से, उसमें पता चलता है कि वो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस वीडियो के, और ये क्वेश्चंस में आपको मजा आ रहा हो, यदि आप वाकई सीरियस में तैयारी कर रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको मजा आ रहा होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आप हल कर रहे हैं मेरे साथ, तो और मजा और भी आएगा जब आपको ये एग्जाम में मिल जाएंगे, और उतनी संख्या में मिल जाएंगे जितनी कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी, तो फिर मजा दोगुना हो जाएगा। और अगर आप इसी तरह मेहनत करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है, और अगर ऐसी सब घटनाएं होती हैं आपकी मेहनत से तो मुझे भी खुशी होगी। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो कम लेकिन अच्छे देता हूं, ये मेरी आदत है। कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप बस एंजॉय करिए, देखते रहिए। धन्यवाद।